सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वो अपने समुदाय के लोगों के सामने भड़काऊ बयान देते दिख रहे हैं, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी गई है। सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि ये चुनाव इमरान को जिताने हराने का नहीं, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना। बात हंसने की बात नहीं है, यह अमित शाह कह रहा है, यह अमित शाह बोल रहा है। ये जितनी मजबूत आवाजें हैं सारी खामोश ऐसे ही नहीं की जा रही, कोई बोलने वाला ना बचे, कोई बोलने वाला ना बचे, ये साजिशें हैं। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल आईपीएल मैच में राजनीतिक नजारा देखने को मिला। लखनऊ सुपर जॉयंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले के दौरान अब की बार 400 पार के नारे के पोस्टर लगे को दिखाई दिए। पीएम मोदी के युवा प्रशंसकों ने अब की बार 400 पार के पोस्टर लगाए। अमरोहा में बीजेपी नेता के घर में घुसकर 3 दबंगों ने लाठी डंडों से मारपीट की और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 3 आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। चार छह लड़के डंडे और अद्धे लेकर आए और हमारे चचा के मकान पर हमला किया, और अगर हम गेट अंदर से बंद नहीं करते तो जान से मार देते। बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ वो लोग तैयार थे। हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस मौके पर फौरन पहुंची, अगर पुलिस नहीं पहुंचती तो वह हम लोग को जान से मार देते। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आगे देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस।